यूपी एसटीएफ ने डॉक्टर कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उन पर अलीगढ़ में सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप है। उनकी अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने और सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया था। इसके बाद से अलीगढ़ पुलिस उन्हें तलाश रही थी और अब जाकर डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर कफील ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी और हमारे संवाददाता गगन मिश्रा इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। तो गगन, क्या कुछ कहा था डॉक्टर कफील ने जिसको लेकर इतना विवाद हुआ था? डॉक्टर कफील ने काफी विवादित भाषण दिया था। जब एएमओ में एएमओ के छात्र सीए का विरोध कर रहे थे, तभी डॉक्टर कफील भी उस जनसभा में पहुंचे थे और वहां पर स्टेज से काफी अभद्र टिप्पणी की थी अमित शाह पर। साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो धार्मिक, किसी की एक धर्म विशेष करके धर्म की विशेष जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है। उसी के चलते अब स्थानीय थाना इंचार्ज ने 13 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और जिसके बाद लगातार पुलिस उनकी पूछताछ कर रही थी और लगातार कफील को ढूंढ रही थी। अब कल यूपीएसटीएफ ने मुंबई से डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कर लिया है और लखनऊ ला रही है। साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से कफील लगातार, चाहे गोरखपुर में हो चाहे किसी अन्य इलाके में हो, लगातार सरकार के खिलाफ सीए का विरोध करने में सबसे आगे आ रहे थे और लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन अलीगढ़ में जब उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी कि जिससे किसी एक खास धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसी के चलते एफआईआर दर्ज हुई। लगातार यूपीएसटीएफ उनकी उनके लिए छापेमारी कर रही थी, उनको एफआईआर दर्ज थी, उनको गिरफ्तार करना था। जी गगन, डॉक्टर कफील जो हैं ये क्या एएमयू से किसी प्रकार से जुड़े हों, या तो एक छात्र के तौर पर या एक शिक्षक के तौर पर? देखिए, जब जब से गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था उसके बाद से ही जब जेल से वापस आए हैं डॉक्टर कफील, तब से ही लगातार वो सरकार के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जब सीए आता है, सीए का विरोध होता है, तो इसमें वो बढ़कर का हिस्सा रहते हैं सरकार के खिलाफ बोलने में। इसी के चलते जब एएमयू में कुछ छात्र सीए का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाल रहे थे, तभी डॉक्टर कफील भी वहां पहुंचे थे और डॉक्टर कफील ने सरकार के खिलाफ, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ, साथ ही साथ एक विशेष खास के विशेष एक धर्म के खिलाफ काफी कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।